वेलकम बैक टू बंक एंड व्लॉग। तो आज हमारा जो वीडियो है ये खास होने वाला है। लास्ट टाइम हमने आपको वीडियो में दिखाया था कि टी शर्ट प्रिंट कैसे होती है, तो आज हम आपको दिखाएंगे कि एक मग कैसे प्रिंट होती है। ये मग प्रिंटिंग का हमारा वीडियो है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो इसमें हम आपको डिटेल ज्यादा नहीं दे पाएंगे, लेकिन दिखाएंगे कैसे होता है। हमारी मशीन आप देख सकते हो, ये मेरा प्रिंटिंग पेपर है। एक खास किस्म का पेपर होता है, उल्टा ये प्रिंट होता है, फिर ये मग पे सीधा आता है। जो मैंने लास्ट टाइम भी टी शर्ट में कहा था, ये तीन मग है, एक नहीं है। इसको मुझे कट भी करना पड़ेगा, कटिंग करनी पड़ेगी। तो मैं मशीन यहाँ से ऑन करता हूँ। ये टी शर्ट की तरह ऐसे नहीं है कि मशीन ऑन रखनी पड़ती है उसमें बहुत टाइम के लिए। इसमें जैसे ही मशीन हमने ऑन की तो उसी वक्त इसमें मग डालना पड़ता है, अपना कप डालना पड़ता है जिसपे प्रिंट लगता है, क्योंकि कप को हीट बहुत ज्यादा चाहिए एज कम्पेयर टू टी शर्ट। अच्छा, हमको सिखा रहा है। तो अभी क्या हो, ये जो है ये एक मग है, तो इसको हम इस पे डालते हैं। लेकिन हमें देखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है कहीं ये उल्टा ना हो जाए। अगर ये उल्टा पड़ गया तो ये उल्टा ही छप जाएगा, फिर उसका कोई फायदा नहीं, वो मग बेकार होता है। तो इसको हम अच्छे से एडजस्ट करते हैं। जो मग का अपना एक डायमेंशन होता है, जब हम इसको प्रिंट करते हैं तब हम इसके डायमेंशन का ध्यान रखते हैं कि ये कितने, इसकी हाइट कितनी इंच है और इसकी विड्थ, हाइट और विड्थ होती है कितनी इंच है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। एक टाइम में एक ही मग को प्रिंट कर सकते हैं, तो पहले इसमें हम मग एडजस्ट करते हैं। वाला नजदीक इसमें ये हमारा मग प्रिंटर है, इसमें हम बड़े आराम से मग को एडजस्ट करते हैं। फिर इसको प्रेस करना पड़ता है। प्रेस जब हम इसको रखते हैं, वो ज्यादा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि मग का प्रॉब्लम है, ये बोन चाइना है शायद, बोन चाइना कहते हैं, टूट भी सकता है। तो इसीलिए हम इसको अपने हिसाब से प्रेस करते हैं। ज्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए, लूज हुआ तो इसका जो प्रिंट होगा वो साफ नहीं आएगा। बराबर बराबर होना चाहिए इसका प्रेस। तो ये हमारा मग मेरे हिसाब से एडजस्ट हुआ। फिर हम मेन स्विच लगाएंगे। ये हमारा मेन ऑन हुआ, यहाँ से हमारा ऑन ही था। तो अभी हम 350 सेकेंड्स का वेट करेंगे। 350 सेकेंड्स में ये हीट अप हो जाता है, उसके बाद इसको हम रखते हैं करीबन 55 या 60 सेकेंड्स, 55 और 60 सेकेंड्स रखते हैं हम इसको। एक मग निकाल के फिर दूसरा मग उसमें डालेंगे। तो वैसे ये फिर हम आपको दिखाएंगे कैसा, जब ये इसका प्रिंट आएगा तो वो कैसा रहेगा। अभी में हमने एक मग जो है प्रिंट कर लिया है। अभी हम इसका देखते हैं प्रिंट कैसा आया है। अभी आके देखिए, थोड़ा गर्म होता है ये, तो जिसको ध्यान से खोलना होता है। ओह वाव, ये इसका प्रिंट आया है। ओह 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 ये इसका प्रिंट आया है, इसका बहुत अच्छा आया है हमारे हिसाब से, मतलब मैं खुद सेटिस्फाई हूँ। तो आज का वीडियो हमारा यही था। एक मिनट, क्लोज व्यू करो इस साथ मग से। हाँ जी, तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब करो प्लीज, और हमारे इंस्टा पे हमें फॉलो करो। हमारे इंस्टा अभी थोड़ा थोड़ा ग्रो होने लगा है, तो प्लीज वहाँ पे फॉलो करो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करो, और आप यहाँ पे आ सकते हो मग प्रिंट के लिए। आपको कुछ भी प्रिंट करवाना हो, कुछ भी, चाहे किसी चीज का लोगो क्यों ना हो, या अगर आप यूट्यूबर हो तो आप अपना लोगो यहाँ पे वो भी प्रिंट करवा सकते हो। आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप बंक एंड ब्लॉग के नाम से यहाँ पे उनको कहोगे कि हम उनकी तरफ से आए हैं, तो मैं आपको डिस्काउंट भी दिलाऊंगा कुछ भी प्रिंट कराने के लिए। एसखान डिजिटल स्टूडियो जो है बद्रागुन में है, ये बद्रागुन इसकी लोकेशन है, आप यहाँ आ सकते हो। यहाँ पे ऐसे प्रिंट होते रहते हैं, उनका यही काम है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।